Hello and welcome to another video. I hope you're doing well. Today we will discuss how you will add your product on Noon. अब Noon पे आपने कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है, आज हम उस पर बात करेंगे. आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आपने अगर एक नई प्रोडक्ट को ऐड करना है Noon पे तो कैसे करना है. सो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब विद द लाइक बटन. लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन FBN एंड FBP, द फुलफिलमेंट बाय नून एंड फुलफिलमेंट बाय पार्टनर में क्या फ़र्क है. आज मैं एक प्रोडक्ट ऐड करने जा रहा हूँ और फिर हम उसको करेंगे FBP, फुलफिलमेंट बाय पार्टनर. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं अपलोड करने के लिए. नंबर वन, आपके पास बारकोड होना चाहिए. नंबर टू, आपके पास इमेजेस होने चाहिए. नंबर थ्री, आपके पास प्रोडक्ट की डायमेंशन और वेट होना चाहिए. और फिर आपने उसको अपलोड करना है, कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट इट. सबसे पहले आपने लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद आपने सेलर ऐप के नीचे कोर है, फिर स्टोर है, देन कैटलॉग है. आपने कैटलॉग पे क्लिक करना है. कैटलॉग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रही हैं. पार्टनर कैटलॉग में क्या हो गया, वो प्रोडक्ट्स आएंगे जो आपने खुद ऐड किए हैं. नून कैटलॉग में से आप कॉपी करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास न्यू प्रोडक्ट है, आपके अपना प्राइवेट लेबल है, तो आपने इसको कैसे ऐड करना है. सबसे पहले आपने आना है इम्पोर्ट पर. इम्पोर्ट पर जाने के बाद आपने जाना है NIS इम्पोर्ट. यही मैंने ऑलरेडी इम्पोर्ट की हुई है, मतलब इसको अपलोड की हुई है अपनी प्रोडक्ट्स को. आपने राइट साइड पे जाना है. राइट पे लिखा हुआ है न्यू इम्पोर्ट्स. आपने न्यू इम्पोर्ट पे क्लिक कर देना है. न्यू इम्पोर्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे पूछेगा बिल्ड योर इम्पोर्ट. इसका मतलब है कि आप इम्पोर्ट कर रहे हो, अपनी सारी आपने इन्फॉर्मेशन इनपुट करनी है एक्सेल शीट पर और नून से खुद प्रोसेस करेगा. सबसे पहले आपने इम्पोर्ट टाइप सेलेक्ट कर लेना है. हमेशा आपने सेलेक्ट करना है NIS. ठीक है, NIS सेलेक्ट कर दोगे आप. फिर आप करोगे इम्पोर्ट सब कैटेगरी NIS क्रिएट. यहाँ पे अब आपने बताना है कि आपकी प्रोडक्ट की कौन सी फैमिली है. अब लेट्स से मैं कहता हूँ कि जो मैं अभी प्रोडक्ट को ऐड करने जा रहा हूँ वो है माउस पैड फॉर एग्ज़ाम्पल. तो मैं जाऊँगा इलेक्ट्रॉनिक एसेसरीज, फिर मैं जाऊंगा एसेसरीज और देन मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा माउस पैड्स. और फिर मैंने कर देना है डाउनलोड NIS. जैसे मैं डाउनलोड NIS करूँगा, डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक शीट आएगी एक्सेल शीट. आपने इसको ओपन कर लेना है. इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है और किस तरह से आपने फिल करना है. अब ये एक्सेल शीट है नून की. यहाँ पे आपको बता रहा है क्या क्या मैंडेटरी है. जो मैंडेटरी है वो ग्रीन हुआ हुआ है, ऑप्शनल ऑरेंज है. ठीक है, अब पहली ऑप्शन आपको बता भी रहा है और समझा भी रहा है कि यहाँ पे आपने एसेसरीज में आपने फैमिली में लिखना है कि आपकी कौन सी फैमिली है प्रोडक्ट की. तो ऑब्वियसली आपने इलेक्ट्रिकल एसेसरीज को सिलेक्ट कर देना है. प्रोडक्ट टाइप इनपुट डिवाइस है, एसेसरीज है, क्या हम इसको एसेसरीज करेंगे. और सब कैटेगरी क्या है, जैसे आप मैंने वहाँ पे सेलेक्ट की थी माउस पैड, आप यहाँ पे भी माउस पैड्स कर देंगे. GTIN, अब ये वो नंबर होगा जो आपने उनको देना है. ये आपका बार कोड, आप इसको अपना यूज़ कर सकते हो. अगर आपने ऑलरेडी Amazon पे अकाउंट बनाया है, वहाँ पे इसको प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है, आप वही बार कोड जो आपने ख़रीदा था GS1 से या nationwidebarcode.com से, आपने वही यहाँ पे यूज़ कर लेना है. पार्टनर SKU क्या होगा, ये आप यूनिक खुद ही रखोगे. अब फॉर एग्जांपल मैं इसको रख दूँगा. फिर पेरेंट्स SKU होगा, कंट्री ऑफ ओरिजिन कहाँ से आया है, मॉडल नंबर, मॉडल नेम, HS कोड, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन ये ऑप्शनल है. ब्रांड नेम देना आपने, प्रोडक्ट टाइटल देनी है, प्रोडक्ट कलर, फैमिली कलर, साइज़, यूनिट, कनेक्शन टाइप अगर कोई है, नंबर ऑफ़ पेसेस अगर कोई हैं, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस ये ऑप्शनल है. बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं, 3 तरह के. मीडियम क्या है, फीचर्स पॉइंट्स आप बुलेट पॉइंट आप भी लाजमी ऐड किया करें. आपने 4 देने 3 देने हैं, बाकी ऑप्शनल हैं. चार्जिंग टाइप है या नहीं है, वोल्टेज क्या है आपका, फिर उसके बाद सेट में क्या है, प्रिंटर आउटपुट टाइप क्या है, कैमरा रेजोल्यूशन कोई है कि नहीं है ये आपने बताना है, ग्राफिक कार्ड है या नहीं आपने ये बताना है. ऑब्वियसली इसमें नहीं होगा. फिर आपने प्रोडक्ट की लेंथ बतानी है, हाइट बतानी है, विड्थ बतानी है. और फिर आपने इमेज URL लगाना है. अब इमेज यूआरएल का मतलब क्या है कि आपने एक थर्ड यूआरएल देना है। आप गूगल ड्राइव में जाके अपनी इमेजेस को ऐड कर सकते हो, और जब आप वहाँ पे ऐड करोगे एक लिंक जनरेट होगा, उस लिंक को आपने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। मिनिमम 2 आपने लाजमी अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस को यहाँ पे इसका लिंक पेस्ट करना है, बाकी आप मल्टीपल और भी ऐड कर सकते हो। फिर अगेन आप में शिपिंग यूनिट और हाई डायमेंशन बतानी है, वेट बताना है, वारंटी है या नहीं। फिर आप यहाँ पे प्राइस बताओगे, यूनिट प्राइस इन यूएई, यूनिट प्राइस इन सऊदी एंड यूनिट प्राइस इन इजिप्शियन करेंसी। फिर उसके बाद आपके पास ये मैंडेटरी टाइप्स हैं कि डिस्प्ले टाइप क्या होगा, स्क्रीन साइज़ क्या होगा, यूनिट क्या होगा, डिस्प्ले क्या होगा, ग्रेड क्या है, आइटम कंडीशन न्यू है, बॉक्स के अंदर क्या है, प्रिंट एफ फंक्शंस कोई हैं या नहीं है, नंबर ऑफ़ यूएसबी कितनी पोर्ट्स हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने लाजमी फ़िलअप करनी है। अगर सेकेंड आप वैलिड वैल्यूज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ पर वो समझा भी रहा है कि किस तरह से आपने इसको अपलोड करना है। तो आपको ये उन्होंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे समझाया भी हुआ है। तो सेम आपने इसको यूज़ करना है। ये सारी की सारी आपने डाटा फिल करना है। फिल करने के बाद आपने क्या करना है, वापस आपने जाना है। जब आपने इसको डाउनलोड कर दिया तो आप नेक्स्ट करेंगे। जब आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे जाके आपने डबल क्लिक करना है और फिर अपनी डाउनलोड्स में जाके जहाँ भी आपने फ़ाइल सेव की होगी उसको आप अपलोड कर दोगे। जैसे आप अपलोड करोगे और सबमिट कर दोगे तो आपकी ये जो फ़ाइल है, ये आपकी फ़ाइल इंपोर्ट्स के अंदर, NIS इंपोर्ट्स के अंदर यहाँ पे शो हो रही होगी, NIS रिसीव्ड। तो इस तरह से पहले यहाँ पे अंडर प्रोसेस आएगा, फिर ये आपकी रिसीव हो जाएगी। अब रिसीव होने के बाद आपकी ये जो फ़ाइल है जो आपने अपलोड की होगी, ये आपके कैटलॉग के अंदर जाके पार्टनर कैटलॉग में चली जाएगी। इस तरह से आपके पास आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होंगी। सो इस तरह से आपने स्टेप बाय स्टेप अपलोड करनी है इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में, और फिर नून से फॉलोअप करते रहना है। नून क्या करता है कि 1 वीक तो मिनिमम लग जाता है ये प्रोसेस करने में और लाइव होने में आपकी प्रोडक्ट। अगर तो आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई तो आपने नून के सेलर हेल्प सेंटर में जाके उनको ईमेल करनी है। आप उनको ईमेल करते हो अपने जीमेल से, उस ईमेल से जिससे आपने अपना अकाउंट बनाया होगा। मेक श्योर हर 3 से 4 दिन के बाद उनको फॉलो करते हैं, क्योंकि इनका जो कस्टमर सपोर्ट है थोड़ा स्लो है, लेकिन वो कर देते हैं। तो विदिन 1 वीक आपकी प्रोडक्ट अप्रूव हो जाती है और वो लाइव हो जाती है। लेकिन आप तक मेक श्योर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ब्रांड नेम। अगर आपका ब्रांड नेम आपने रखा हुआ है और आपकी प्रॉपर वेबसाइट है, आपका अमेज़ोन पे भी अकाउंट बना हुआ है, तो आपसे वो पूछते हैं कि क्या ये ब्रांड नेम ऑलरेडी आपके पास है, आप अपना प्रूफ दें। तो आपको मल्टीपल अपनी प्रोडक्ट की इमेजेस, वेबसाइट की डिटेल भेजनी होती है, सोशल मीडिया के लिंक्स भेजने होते हैं, और फिर आपका ब्रांड नेम भी अप्रूव कर देते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर आपने नून पे होलसेल करना है और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को सेल करना, तो कैसे ऐड करेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपने वो प्रोडक्ट ऐड करनी है नून पे जो ऑलरेडी सेल हो रही है। जैसे हम अमेज़ॉन होलसेल करते हैं, सेम ऐसे ही आप नून पे भी कर सकते हो। अब जो प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई है उसके लिए आपने जाना है कैटलॉग। पहले हमने डिस्कस किया था पार्टनर कैटलॉग, अब हम जाएंगे नून कैटलॉग। यहाँ पे वो सारी प्रोडक्ट्स होंगी जो नून पर ऑलरेडी लिस्ट हुई हुई हैं। लेट्स से हमने एक प्रोडक्ट हंट की थी, हम या हमारे पास वो स्टॉक अवेलेबल है माउस पैड्स का। तो हमने यहाँ पे आके नून कैटलॉग में सर्च करना है माउस पैड और एंटर कर देना है। फिर आपके पास वो सारे माउस पैड आ जाएंगे जो नून पे लगे हुए हैं। लेट्स से मुझे ये माउस पैड सेल करना है, जेनेरिक एक्स्ट्रा लार्ज माउस पैड। मैं इस पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मेरे राइट साइड पे मुझसे वो मांगेगा लेट्स स्टार्ट विद ए पार्टनर SKU। SKU बेसिकली आपका इंटरनल नंबर होता है। ये वो नंबर होता है जो अपनी प्रोडक्ट्स को देते हो ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कि आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस एक नंबर एलोकेट करने के बाद आप उनको यूज़ करते हो। SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास माउस पैड है, मैंने MP0151 कर दिया, ये इंटरनल नंबर मैंने इसको एलोकेट कर दिया, और मैं इसको कर दूँगा क्रिएट। जब मैं इसको क्रिएट करूँगा, क्रिएट करने के बाद फिर ये आपके पास नया प्लेटफॉर्म आएगा, ऑफ़र, कंटेंट, हेल्थ, डील्स, बारकोड, हिस्ट्री। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे इसको कर देना एक्टिव। जब आप इसको एक्टिव करोगे तो एक्टिव हो जाएगा। फिर आपने अपने एक प्राइस सेट करनी है, फॉर एग्जांपल 15। प्राइस लिखने के बाद आप सेल प्राइस को छोड़ दो, ये तब आप यूज़ करते हो जब आपने डिस्काउंट्स लगाने होते हैं। आप अपने वेयर हाउस ऐड करना है, या आपको बताऊँगा कैसे करना है। और फिर उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन सेम एज इट इज़ रहेगी और आपने इसको यहाँ जाके सेव कर देना है। ये वो आपकी प्रोडक्ट सेव होगी और आप उसको सेल कर पाओगे जो ऑलरेडी नून पे लगी हुई है। ये प्रोडक्ट उठ के आपके कैटलॉग पे जाके आपने नून कैटलॉग पे जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट शो हो जाएगी। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो लेट मी नो, कमेंट्स डाउन बिलो। फॉलो मेरा इंस्टाग्राम, फॉलो और फेसबुक ग्रुप। अपना ख्याल रखिएगा, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।